प्लीज संभाले खुद को। आप ऐसा करेंगे तो वालिदा को कौन संभालेगा? वालिद की अब जितनी जिंदगी रह गई है, हमें उनके सामने खुश रहना है भाई। उनका हौसला बढ़ाना है, प्लीज भाई आप लोग ये मत। चले, आपको वालिद बुला रहे, और प्लीज उनके सामने रोइएगा मत। यहां बैठो मेरे पास। आज मैं तुम लोगों को बताता हूं कि मेरी जिंदगी कैसे गुजरी है। तुम लोगों को बहुत शिकवे है ना? हमें अभी कोई शिकवा नहीं है आपसे मौजम, आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की है, लेकिन तुम लोगों को शिकायत है। आज बताता हूं इसकी वजह। मैं अपने मां बाप का इकलौता बेटा था। मेरे वाले साहब सरकारी मुलाजिम थे। वो चाहते थे कि मैं आला तालीम हासिल करूं, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ नहीं सका, सिर्फ बीए तक पढ़ा। आगे मैं पढ़ना नहीं चाहता था क्योंकि मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब था। पता है क्यों? हमारी एक बहन थी, उसने मोहब्बत में हमारे मुंह पे स्याही मल दी। रात के अंधेरे में घर से भाग गई वो। ये सदमा वालिद साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनका इंतकाल हो गया। बस तब से औरत जात से मुझे नफरत हो गई। इस बदनामी के डर से हमें वो घर छोड़ना पड़ा। हम एक छोटे से घर में आ गए। बाकी जो पैसा बचा था और खालिद की मेहरबानी से मैंने अपने आप को बिजनेस में झोंक दिया। सोचा था कि ये दुख भुला दूंगा, लेकिन आज तक मैं इस तकलीफ से नहीं निकल पाया। बस करें मौसम, हम जानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया उसके पीछे कोई दुख था, कोई तकलीफ थी, लेकिन बस अब जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूल जाइए, एक नए सिरे से जिंदगी का आगाज करें। खात्मा करीब है,
और तुम नई जिंदगी गुजारने की बात करती हो। लेकिन मेरी अब जितनी भी जिंदगी बाकी है वो मैं तुम लोगों के साथ हंसी खुशी गुजारना चाहता हूं, ताकि ताकि मरने के बाद मेरी रूह बेचैन ना हो। तकदीर के लिखे को कोई नहीं बदल सकता बालाज। शायद हमारे नसीब में हमारे वालिद का प्यार बहुत थोड़े अरसे के लिए लिखा था। काश हम अपने वालिद से अपनी मोहब्बत का इजहार शुरू तन से करते तो शायद। तो अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्या? दुनिया में कहीं वालिद का इलाज नहीं है। बालाज काश ऐसा हो सकता। मैंने और खालिद अंकल ने तकरीबन दुनिया के सारे डॉक्टर से बात कर ली है, रिपोर्ट्स भिजवा चुके हैं, लेकिन कहीं से किसी ने हमें अच्छी उम्मीद नहीं बताई। इसीलिए मैंने और खालिद अंकल ने फैसला किया है कि वालिद की जिंदगी जब तक है वो हमारे दरमियान ही रहे। भाई आप लोग ये घर छोड़कर क्यों चले गए? अगर आप लोग यहाँ पर होते तो आप लोगों को बहुत जल्दी ये सब कुछ पता चल जाता, कुछ हो जाता, उनका इलाज हो जाता। हम होते भी तो उनकी तकलीफ कैसे जानते हैं? तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि उन्होंने सारी जिंदगी कभी हमें किसी तकलीफ के बारे में नहीं बताया। वो शुरू से ऐसे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि वालदा ने चंद महीनों पहले उनसे कहा कि आप अपना चेकअप करवा, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुना। और जब तकलीफ हद से बढ़ी तो ये सूरत हाल हमारे सामने। काश मैं यहां पर मैं कुछ कर लेता। पर आज इंसान उतनी जिंदगी गुजारता है जितनी लिखी होती। तुम अगर होते भी तो तुम भी कुछ नहीं कर पाते। खैर छोड़ो इन बातों को। हाँ एक बात का ख्याल रखना कि वालदा के सामने नॉर्मल रहना बहुत क्यों चाहिए। वालिद मैं आप सो गए, मैं यही हूँ आपके पास।
नगमा कहीं जा रही हो बेटा? जी, वो गुड्डू का कुछ सामान लेना था और किचन का कुछ सामान भी लेना था, तो मैंने सोचा जाके खुद ही ले आती हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। फलीद आ गया ऑफिस से? नहीं, वो ऑफिस से निकल रहे थे, अभी अभी बात हुई है मेरी। उनके आने तक आ जाऊंगी मैं, ड्राइवर को साथ लेकर जा रही हूँ। सही, ठीक है, तुम जाओ बेटा। कुछ चाहिए हो तो फोन कर दीजिएगा। यूके से भी रिपोर्ट्स का वही जवाब आया है जो मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया। देखो, मैं कैंसर का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर्स का बोर्ड है और मौसम की बीमारी का गहराई से स्टडी कर रही है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दुनिया भर से हमने इस मर्ज की बेहतरीन मेडिसिन मंगवाई है और आज एक इटली से भी मेडिसिन आई है। क्यों तुम लोग मौसम को बाहर ले जाना चाहते हो? मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ, निशान लगा उसका। हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम लोग तो बस ये चाहते हैं कि हमारे जल्दी ठीक हो जाए। मैं तुम लोगों की सिचुएशन को समझता हूँ बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं शाम को तुम्हारे घर आ रहा हूँ। देख, तुम मेडिसिन सिंह को भी ला के दे दूंगा, बस तुम उसका ख्याल रखो। और कौन है उसके साथ इस वक्त? वालदा है, शादी होने पाशा भी पहुँच गए होंगे, बहुत सादे आपको। गुड बेटा, अच्छा किया तुम लोगों ने उसको बुलवा लिया, और तुम सब लोग उसके सामने मिलजुल के रहना। यही कोशिश करें अंकल, कि उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, वो खुश रहें। आप बताएं अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो। नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। चलें ठीक है फिर, अगर टाइम हो तो आप फिर घर चक्कर लगाइएगा शाम। हाँ, मैं शाम को आ रहा हूँ। हाँ भाई, किधर, किससे मिलना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार, मैं मिठू से मिलने आया था, लेकिन शायद वो लोग घर पर नहीं है, ताला लगा हुआ है। ताला तो लगा होगा ना, घर पे जो नहीं है। अच्छा, कहाँ गए हैं, कुछ पता है आपको? वो लोग तो दुबई सेटल हो गए। दुबई सेटल हो गए? कब? मेरा कब गए हैं कुछ? उन लोगों को तो गए हुए 3 महीने हो गए। आप तो उनके जानने वाले लगते हो, आपको पता होना चाहिए। दरअसल मैं था नहीं काफी अरसे से यहाँ पर, काफी दिनों बाद आया हूँ। चलें ठीक है, शुक्रिया। लो, कोई मसला नहीं।
ये खड़े हुए क्यों हैं? बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। चलो ठीक है, जल्दी से ले आओ। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या काम है आपका यहाँ पे? अब ऐसी कौन सी कयामत रह गई है जो आप यहाँ पे ढाने आई है मेरे ऊपर? नगमा, तुम यहाँ कैसे? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ कैसे, आप क्या कर रहे हैं? इस लड़की को जानते हैं आप? कौन है? क्या कह रही हो तुम नगमा? अच्छा, अनजान तो आप ऐसे बन रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो, या फिर आप अनजान बनने की एक्टिंग कर रहे हैं? मैं ना आपको बहुत अलग समझती थी। मुझे लगता था आप उन लोगों में से हैं जो घर को जोड़ कर रखते हैं, मगर आप तो तुम होश में हो? क्या कह जा रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। इस औरत की वजह से शादी की रात मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया था। ये वही औरत है जिसकी वजह से वलीद को अपने शौहर को देखने के लिए पूरे एक साल तक मैं तरसती रही, और आप इस औरत के साथ यहाँ पर हैं। ये औरत आप पे डोरे डाल रही है या फिर आप खुद इसके जाल में फंसे? शट अप नगमा, बकवास बंद करो अपनी। मुझे नहीं मालूम था कि ये वो बीना है। और नगमा, आई स्वेयर मैं भी बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये वलीद के भाई हैं, लेकिन अब तो पता चल गया ना। हमारे सामने हाथ जोड़े, खुदा के वास्ते हमारी जिंदगी से निकल जाओ। भाई आप जानते हैं, ये वही औरत है जिसको वलीद इधर से उधर ढूंढा करता था, घर पे नहीं रहता था वो, और अब अगर उसको ये पता चल गया कि ये औरत यहाँ आपके साथ है, तो आपको पता है कि हमारे घर पे कितनी बड़ी कयामत टूट पड़ेगी? आपको इस बात का अंदाजा भी है कि मेरे घर का क्या होगा? अगर आपका बाप जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, मरने वाला है वो, और आप यहाँ इस लड़की के साथ कुछ छर्रे उड़ा रहे? प्लीज नगमा, आप किस किस्म की फजूल बातें कर रही हैं? तुम मत करो मुझसे फजूल बातें। नगमा, तुम घर जाओ। नहीं, मैं अकेले हरगिज नहीं जाऊँ, आप मेरे साथ घर चलो। नगमा, मैंने कहा ना, फौरन जाओ यहाँ से। ठीक, जा रही, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। अगर मेरे घर को कुछ हुआ ना, या वलीद मुझसे दूर गया, तो उसके जिम्मेदार आप हो। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है नगमा, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं जानती थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप वलीद के भाई। काश काश मुझे पता होता। रिलैक्स पीना, जो कुछ हुआ उसमें गलती हमारी नहीं, हम दोनों नहीं जानते कि माजी क्या है, लेकिन इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वलीद तुम्हारा माजी था, भूल जाओ उसे। नगमा, नगमा तो समझ रही है कि मैंने जानबूझकर। भाड़ में जाए नगमा, जो समझती है समझने दो उसे। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ सरबलन, मुझे पता भी नहीं कि इस दुनिया में मेरा कोई ठिकाना है या वो भी नहीं। वलीद से मोहब्बत की थी मैंने, सच्ची मोहब्बत,
मगर वो बुजदिल निकला। जब उसने मुझे बताया कि उसके वालिद ने उसकी किसी और लड़की से शादी तय कर दी तो सरबुलंद मैंने उसे कहा, मैंने वलीद से बहुत कहा कि जाके अपने अबू को बोल दे, उनको बता दे कि वो मुझसे प्यार करते, वो मेरा है। लेकिन वो कम हिम्मत निकला, उसने अपने अबू की बात मान ली। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने शादी कर ली तो मैंने उसे ठुकरा दिया। तो फिर मैंने उसे कहा कि जाओ अपनी बीवी के साथ रहो, मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया, इसमें मेरा क्या कसूर है। मैंने क्या गलत किया था, नहीं अम्मा, परेशान तो इसलिए हूं कि मेरी जिंदगी फिर से अजाब में आने वाली है। तुम्हें नहीं पता अम्मा कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। यार वो रात का खाना खाना मैंने छोड़ दिया है भाई, वो हजम नहीं हो रहा यार, अब बुढ़े हो गए ना। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। भाई मैंने शामी कबाब बनाए हुए हैं, आप वो खा ले, मैं अभी लेकर आती हूँ। वाह भाभी को तो मजा आ जाएगा, लेकिन कल देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है मैं चल रहा हूँ। अच्छा अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बैठे ना, कहाँ जा रहे हैं? यार वो बस मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यार, तुम बैठो। ठीक है अच्छा चल ओके अल्लाह। वलीद नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं वालिद, मैं ऑफिस से नहीं आ रहा, एक काम से गया था, मुझे नहीं पता कि वलीद आया है कि नहीं। हाँ वो लेट आएगा, उसका फोन आया था, वो किसी मीटिंग में है। अच्छा अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं वालिद? मैं ये सोच रहा था, कल का मुझे ये ख्याल आ रहा है उस्मान, गुड्डू की दफा तुमने कोई तकरीब की थी? जी वो गोद भराई की तकरीब की थी ना हमने, कि आपको नगमा की गोद भराई की तकरीब कैसे याद आ गई आज? ओ निताशा भी तो माँ बनने वाली है ना, उसकी औलाद की खुशी नहीं करोगी? तो आप क्या चाहते हैं कि हम नताशा की गोद भराई करें? हाँ बेटा, मैं एक बार सबको खुश देखना चाहता हूँ। एक बार क्या वालिद, आप हमेशा हमें हंसता मुस्कुराता देखेंगे। वाला मेरे ख्याल से फौरी तौर पर नताशा और सादी को ये खुशखबरी सुनाएं। अच्छा मैं जाती हूँ, वो लोग सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं तुम उसे यहीं बुला लो। अच्छा सादी, ले सादी आ गए, आओ बेटा। बुलाया? हाँ बेटा इधर आओ मेरे पास। हम ये सोच रहे थे बेटा कि तुम्हारी औलाद की कोई खुशी करें, क्या ख्याल है तुम्हारा? बहुत अच्छा ख्याल है वालिद, नताशा बहुत खुश होगी, वो तो शर्मा के आपके सामने ही नहीं आएगी। वालदा आप तैयारी करें और मुझे बताइए कि कितने लोगों का इंतजाम करना है। मेरा ख्याल है कि कमिंग सैटरडे का प्रोग्राम हम रख लेते हैं, क्या ख्याल है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप मेरी एक बात माने तो। हाँ कहो 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 उस्मा, क्या बात है? मैं सोच रही थी कि माशाल्लाह हमारे घर के लोग काफी हैं, मैं बाहर से किसी को बुलाना नहीं चाहती, मैं ये तकरीब और ये खुशियाँ अपने बच्चों के साथ मनाना चाहती हूँ, अपने बेटों के साथ। बेटा तुम्हें तो कोई एतराज नहीं?
कैसी बातें करती हैं वालदा? आप जैसा मुनासिब समझे। मेरे लिए तो यही काफी है कि मेरे बच्चे की खुशी मनाई जा रही है। ठीक है उस्मान, जैसे तुम्हारी खुशी। सरबुलंद बेटा तुम इंतजाम करा लो। ठीक है, किसी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है वालिद, आप बेफिक्र रहिए। जीते रहो, खुश रहो। ठीक है, ठीक हो बस। क्या पागल हो गए हो तुम वली? हाँ मैं हो गया हूँ पागल, तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गया। गलती की थी, मैं सबकी बातों में आ गया और अब उसी की सजा काट। लेकिन तुम तो मुझे सजा मत दो, तुम जानती हो तुम्हारी मोहब्बत में तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, वही चाहती हो तुम? कल मैंने तुम्हें कॉल की, तुमने ना तो कॉल उठाई ना कोई मैसेज किया। वो कई दफा ऐसा होता है कि फोन ना सामने पड़ा होता है और बस कॉल मिस हो जाती है, आवाज नहीं आती। हाँ लेकिन मिस कॉल जरूर नजर आती है। मिस कॉल तो नजर आई जाती है। तुम्हारे लिए आया और तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? देखो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया वली। मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, तुम्हारी मोहब्बत के लिए किया। मोहब्बत किसी को दुख देने का नाम नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। हर फैसला अपने वक्त पर किया जाता है और जो फैसले बेवक्त किए जाएं वो सिर्फ तबाही की तरफ ले जाते हैं। वीना मैडम से मिलना था। वीना मैडम तो नहीं है, एक लिफाफा छोड़ के गई है आपके लिए। जी दीजिए। जी ये लिफाफा। शुक्रिया।
आंटी सब मेहमान भी आ गए हैं, रस्म शुरू करें। हाँ हाँ बेटा, जाओ वालिद साहब को बुलाओ ताकि वो भी रस्म शुरू करें। अभी बुला कर लाते हैं। मैं लेकर आता हूँ। Valet! 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 Val